हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पे जिसका नाम है एक्सेल मैकेनिक। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक ऑल्टो गाड़ी जो पीछे से डैमेज हुई है पूरी तरह से, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। इसका जो रिपेयरिंग होगा, रिपेयरिंग के लिए हम लोगों ने क्रैश रिपेयर सिस्टम को यूज़ किया है। तो ये क्रैश रिपेयर सिस्टम है, ये ऑटो रोबोट का है। ऑटो रोबोट का क्रैश रिपेयर सिस्टम में कूलिंग का जो क्लैंप है, कूलिंग का जो एक्सेसरीज है, इस वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे कि उसका सेटअप कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग एक्सेसरीज, अलग अलग अटैचमेंट दिया गया है। फोटो को ध्यान से देख के इसको असेंबली करना होता है, जहां हमें पुल करना है उस एरिया के हिसाब से। तो ये बेसिक्स दिया गया है, इसको फॉलो करके थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करके भी जो एक्सेसरीज है पुलिंग के लिए, उसको हम बना सकते हैं अपने हिसाब से भी। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अलग अलग जगह के लिए, जैसे यहाँ बैकलाइट वाले जो पोजीशन है उसके लिए, एफ्रन का जो पोजीशन है उसके लिए, बी पिलर का जो पोजीशन है उसके लिए, रनिंग बोर्ड के जो पास का पोजीशन है उसके लिए, सेंटर पिलर में कैसे पुलिंग करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो भी पुलिंग एक्सेसरीज है उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए असेंबल करना होगा, फोटोग्राफ्स के द्वारा दिखाया गया है। तो हम लोग भी अपने इस वीडियो में इसी तरह इसको क्लैंपिंग करेंगे और क्लैंप करके गाड़ी को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में पुलिंग करेंगे। इस गाड़ी को रिपेयरिंग करते समय हमें कुछ खास परेशानी नहीं हुई, बट जो हमने नेक्स्ट गाड़ी इसके बाद रिपेयर किया वो था सिलेरियो गाड़ी था, और उस गाड़ी में रूफ में हल्का डैमेज हुआ था। जस्ट रूफ का पुलिंग कर रहे थे इस ऑटो रोबोट सीआरएस पे, तो जस्ट गाड़ी एक तरफ से क्लैंप से खुल गया। तो लोग जो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ऑटो रोबोट का सीआरएस का क्लैंप गाड़ी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, इसपे इसका क्लैंप काफी मजबूत होता है, ये एकदम गलत बात है। इसको मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर किया और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस दूसरे जगह से भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऑटो रोबोट सीआरएस पर जब गाड़ी को पुल करते हैं तो ड्यूरिंग पुलिंग गाड़ी सामने की ओर स्किप कर जाती है। अगर फ्रंटल पुलिंग हुआ तो, साइड पुलिंग हुआ तो गाड़ी एक तरफ पलटी खा जाता है। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ पर क्लैंप लगा रहे हैं और क्लैंप लगा कर पुलिंग कर रहे हैं। तो ये गाड़ी पीछे से डैमेज हुआ था क्वार्टर पैनल के, वहाँ पर इसका व्हील हाउसिंग, बैकलाइट का जो हाउसिंग है वो क्वार्टर पैनल, रिचार्ज डोर, रनिंग बोर्ड सारा अंदर की तरफ डूब गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सीआरएस को लगाकर क्रैश रिपेयर सिस्टम यूज करके ऑटो रोबोट का हम लोग पुलिंग कर रहे हैं। पुलिंग में जो सबसे बड़ा एक समस्या हुआ था कि इसका व्हील हाउसिंग भी, इसमें पुलिंग का जो आर्म है रॉयल एंगल जिससे हम लोग पुल करते हैं, इसमें चेन लगा होगा आप देखते हैं, वो आर्म का पोजीशन थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से हमारा पुलिंग का एंगल भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने रफ पुलिंग कर लिया है। रफ पुलिंग करने के बाद मेजरमेंट किया क्वार्टर पैनल का, कहाँ से हमें कटिंग करना है, और कटिंग के बाद कटमार्क के लिए हम लोगों ने मास्किंग टेप को इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें स्पॉट पॉइंट को काट रहे हैं। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर स्पॉट कटर नहीं था, तो हम लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्राइंडर होता है हमारा, उसमें ग्राइंडर जो पत्थर वाला ग्राइंडर होता है उसको लगा के यहाँ पर हम लोग ग्राइंडिंग किए करके स्पॉट को काट रहे थे। जहाँ जहाँ हमने काट किया है वहाँ पर हम लोग ये देखिए एयर हैमर को यूज करके पैनल को, स्पॉट जहाँ जहाँ था काटा था हमने, पैनल को अलग कर रहे हैं। जो डैमेज पैनल है हमारा जो चेंज होगा, इस गाड़ी में जो डैमेज है वो तो बहुत ही मेजर डैमेज था। वेल, सीआरएस ने हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया। ठीक है, ये सीआरएस सेफ नहीं है गाड़ी के लिए भी और जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए। देखिए कटिंग इनसाइड की तरफ से अभी अंदर में घुस के यहाँ पर स्पॉट का टांका सही से कटा नहीं, बोल के सब समय लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि स्पॉट का टांका अगर सही से कट जाए ना, तो एयर सॉ को, सॉरी ये नॉट एयर सॉ, एयर चीजल को पैनल को अलग करने में समय ज्यादा नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली एक पैनल को अलग कर देता है। तो सबसे आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पॉट का जो कटिंग है ना वो जरूर अच्छा से होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राइंडर से सीधे सीधे मार दिया, आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो स्पॉट सही से कटा नहीं। फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमारा पैनल को अलग करने के लिए जो पीछे का जो फ्रेश पैनल है जिसपे क्वार्टर पैनल लगेगा हमारा, वो भी डैमेज हो जाता है कभी कभी। तो बेस्ट ये होता है स्पॉट काटने के लिए कि पहले आप इस पंच मार दे, उसके बाद स्पॉट कटर से स्पॉट को काट दे, फिर ये वाला एयर हैमर लगा के पैनल को आप गाड़ी से अलग करें जो डैमेज हुआ है,
एक बार प्रोसेस आपको हमारा पिछला कुछ वीडियो में आपको ये सारा मिल जाएगा वीडियो, अगर आपको देखना है कि कैसे पंच का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम स्पॉट कटर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोग एयर हैमर का प्रयोग करते हैं टनल को अलग करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वार्टर टनल को काट के हटाया, फिर यहाँ पर नया क्वार्टर टनल को हम लोगों ने जोड़ा, तो व्हील हाउसिंग भी हमारा डैमेज था, तो व्हील हाउसिंग को भी हमने काट थोड़ा सा रिपेयर किया था। ओके, व्हील हाउसिंग को रिपेयर करने के बाद अभी ये क्वार्टर पैनल को हम लोग बिग वेल्डिंग से वेल्डिंग मार रहे हैं। तो वेल्डिंग मारने के बाद हम लोग सभी पार्ट्स को असेंबल करेंगे। असेंबली करने के बाद एक ये वीडियो रेडी हो जाएगा रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर जो ऑल्टो गाड़ी है उस गाड़ी का ही हम लोगों ने क्वार्टर पैनल, बैकलाइट हाउसिंग, डिक्की, रियर बम्पर, व्हील हाउसिंग, रियर एलएस डोर, ये सारे हिस्से पर डैमेज था गाड़ी में, तो पूरे हिस्से को हम लोगों ने अच्छे से रिपेयर किया सीआरएस पर यूज करके। देखिए अभी मिग वेल्डिंग यहाँ पर हो रहा है पैनल जोड़ने के लिए। मिग वेल्डिंग बहुत ही यूनिक प्रोसेस है वेल्डिंग का, इसमें ओवरहीटिंग नहीं होता पैनल में, पैनल में जो हीट डैमेज होता है वो नहीं होता जो कि हमारा गैस वेल्डिंग में होता है। मिग वेल्डिंग का भी आपको बहुत सारा वीडियो हमारा पहले भी मिल जाएगा इस चैनल में, इसको आप देख सकते हैं जाके चैनल पे, तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि मिग वेल्डिंग को वीडियो हम लोग कैसे करते हैं, मिग वेल्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, पोजीशंस क्या होना चाहिए बॉडी का वगैरह वगैरह। तो अभी यहाँ पर हम लोग टाका लगा रहे हैं, पॉइंट मार रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी रनिंग बोर्ड पर हम लोग आ गए, रनिंग बोर्ड पर पॉइंट मार रहे हैं। तो जनरली वेल्डिंग मारने से पहले गाड़ी का जो फोम पैड वाला एरिया होता है, सीट वाला जो एरिया होता है, ग्लास आइटम जो होता है, उसको ढक देना चाहिए फायर प्रूफ ब्लैंकेट से। तो हमारे पास ब्लैंकेट अगर नहीं होता है तो बम्पर का जो बड़ा बड़ा कार्टून आता है ना, हम उससे भी जो एरिया जल सकता है वेल्डिंग का छीटा उड़ने की वजह से उसको ढक सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वेल्डिंग मारने से पहले जरूर से जरूर गाड़ी में ग्लास को तो कम से कम जरूर ढक दें। ग्लास, सीट फोम वाला जो एरिया होता है, मैट वगैरह हो गया, रियर सीट हो गया, इन सभी सामानों को गाड़ी में मिग वेल्डिंग मारने से पहले ढक देना चाहिए। देखिए हम ताका मार रहे हैं तो पैनल को हम लोग सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेट करने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो लगभग हमारा ये वेल्डिंग टाका जो लगना था वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी एक समस्या हुई थी कि व्हील हाउसिंग का, व्हील हाउसिंग इतना ज्यादा एक्सीडेंट के बाद बाहर आ गया था, जिसके वजह से अगर हम लोगों ने क्वार्टर पैनल चेंज जब किया उसके बाद जब दरवाजा लगा रहा था, दरवाजा क्वार्टर पैनल पे जाकर चढ़ जा रहा था। तो इस तरह का समस्या कभी अगर आप फेस करते हैं उस केस में करना आपको यह है कि क्वार्टर पैनल को लगाने से पहले जो व्हील हाउसिंग पीछे का है ना, उसको ऊपर से हथौड़ी से मार के अंदर ट्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप क्वार्टर पैनल लगाइए। तो क्या होगा, क्वार्टर पैनल अपने पोजीशन पे जाके लग जाएगा, नहीं तो क्या, अगर व्हील हाउसिंग ऊपर की तरफ आया हुआ है तो क्वार्टर पैनल भी आपका उठा हुआ रहेगा और दरवाजा जब लगाएंगे दरवाजा जाकर उस पर चढ़ जाता है। तो व्हील हाउसिंग को अंदर की ओर मार के फिर क्वार्टर पैनल को वेल्डिंग मार दीजिए, और उसके बाद पॉइंट मारने के बाद क्वार्टर पैनल को फिर आप व्हील हाउसिंग को फाइनल वेल्डिंग मार सकते हैं। मैं आपको आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे व्हील हाउसिंग को निकाला था काम के लिए अपना, क्योंकि बाद में भी हमें उसको खोल के वेल्डिंग अंदर की ओर ढुकाना पड़ा था, इसको बिना इसको अंदर की तरफ प्रेस किए हमारा नया क्वार्टर पैनल लग नहीं पा रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सरसी का प्रयोग किया गया है पैनल को एक से पकड़ रखने के लिए। देखिए ये सरसी का प्रयोग कर गया, तो साइड में पॉइंट मारना होगा, तो वेल्डिंग हम लोगों ने साइड में मार दिया। ओके, ये नीचे वाला हिस्सा है रनिंग बोर्ड के पास का, यहाँ पर साइड से मार देगा तो क्या ये हिस्सा पकड़ रखेगा पॉइंट, तो हम सरसी को खोल भी सकते हैं इससे। तो ये जस्ट हम पैनल को सेट कर रहे हैं, फाइनल वेल्डिंग कभी नहीं मारना चाहिए जब तक हम सारा पैनल को जो जो हमारा रिप्लेस हो रहा है, जो जो पैनल रिपेयर हो रहा है उसको रिपेयर ना कर लेते, जब सारा पैनल हम चेंज नहीं करते तब तक हमें सारा पार्ट के पहले पॉइंट मारेंगे हम लोग। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पॉइंट मार रहे हैं, पॉइंट एक बार मार दिया, फिर हम इस पर दरवाजा लगाएंगे, बैकलाइट का हाउसिंग लगाएंगे, पीछे का डिक्की लगाएंगे, बम्पर लगाएंगे, सभी का गैप को ठीक करेंगे, और गैप सेटिस्फैक्टरी होगा, संतोषजनक होगा मैनुअल के हिसाब से, फिर हम गाड़ी में पक्का वेल्डिंग मार के ग्राइंडिंग करने के बाद पेंट विभाग में गाड़ी को भेज देंगे।
तो अभी जस्ट हमारा वेल्डिंग चल ही रहा है क्योंकि ये डैमेज बहुत बड़ा था। देखिए यहाँ पर पॉइंट मारा जा रहा है, पॉइंट जो मारते हैं टनल को सेट करने के लिए मारते हैं, फाइनल वेल्डिंग मारने से पहले पॉइंट मार के टनल को सटा दिया जाता है, सो दैट हम दूसरा जो उससे पार्ट लगता है उसको वहां पर लगा के रिपेयर कर सके। तो देखिए जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे की ओर बढ़ रहा है, हमारा काम भी आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके हम सरफेस का जो लेयर है उसको मिला रहे हैं। देखिए इस वीडियो अभी यहाँ पर ये फ्यूल टैंक की तरफ से डैमेज हुआ था क्वार्टर पैनल, तो हम लोगों ने पूरा फ्यूल टैंक का जो कवर जो था ना, टैंक का जो कवर था वो सारा चेंज किया है, इसीलिए हम लोगों को नया लगाना पड़ा था। नया लगाने से पहले वहाँ पर फ्यूल टैंक यहाँ पर 5 वेल्ड होता है, स्पॉट वेल्डिंग मारा था फैक्ट्री में, तो उसको हम लोगों ने काटा था। काटने के बाद जब हम कर रहे हैं तो वहाँ वेल्डिंग मारना पड़ेगा, मिग वेल्डिंग, तो मिग वेल्डिंग हम लोगों ने मार दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा क्वार्टर पैनल का सेटिंग हो चुका है। अब हम लोग बैक लाइट को यहाँ पर पैनल के संग असेंबल करेंगे, लगाएंगे। बैक लाइट लगाने के बाद उसको स्क्रू करेंगे, उसका गैप को एक बार थोड़ा देख लेंगे। फिर डिक्की को लगाएंगे। देखिए अभी सेटिंग यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो दोबारा कुछ गड़बड़ी हमें फील हुआ तो हमने दोबारा से क्वार्टर बैकलाइट को खोला बाएं तरफ का और वापस इसको लगा रहे हैं। इसको लगा के हम लोगों ने इसका गैप को देखा कि गैप इसका प्रॉपर है कि नहीं। अगर जरूरत के हिसाब से अगर गैप ज़्यादा है या फिर कम है तो उस केस में हम इसे एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ड्राइवर को फिक्स कर रहे हैं हम लोग, स्क्रू जो इसमें खुले थे हम लोग लगाते समय निकालते समय उसी स्क्रू को वापस इसमें लगा के इसको असेंबल कर रहे हैं, सारा पैनल को हम सेट कर रहे हैं। तो वेल्डिंग के बाद हैमरिंग करने की जरूरत पड़ता है कहीं पर पैनल को पूरा सरफेस को सही से मिलाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पूरा पैनल का सरफेस को सही से मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रैपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैप कम बेसी एडजस्ट करने के लिए। कॉच का जो एरिया होता है ना, अक्सर कभी जब पैनल हम चेंज करते हैं तो बाहर की ओर निकल जाता है नया पैनल जब सेट करते हैं, तो वहाँ पर उसको कॉच को वापस छेनी से मारने से तो वापस ड्राइवर बढ़िया से बैठ जाता है। तो ये सेटिंग होने के बाद हम लोगों ने जो हाई स्ट्रिप प्लायर था हमारा एक एक करके खोलना शुरू कर दिया है। जैसे हम इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद फिर हम डिक्की वगैरह फिटिंग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक पॉइंट मार दिया, डोर रबर लगा रहे हैं हम लोग, डोर डिक्की डोर का जो रबर है उसको लगा दिया। लगाने के बाद फिर हम लोग डिक्की को लगाएंगे और डिक्की का लॉक को भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि लॉक प्रॉपर जगह पर लग रहा है कि नहीं, तो जरूरत के हिसाब से हम लोग इसका एडजस्टमेंट को भी एक बार देख लेंगे। चलिए देखते हैं कि डिक्की में लॉक में कोई समस्या तो नहीं, तो उसके लिए हम अंदर की ओर गाड़ी में रुकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉक जो है डिक्की का वो नीचे की ओर थोड़ा अगर इस पोजिशन से देखें तो दाहिनी ओर हल्का घसक गया है ना, और ऊपर का लॉक बाएं तरफ हल्का घसक गया है, तो ऊपर को हम लोग थोड़ा हल्का दाएं तरफ घुसाएंगे तो हमारा ये लॉक लग जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या किया हम लोगों ने, जस्ट डिक्की का पोजीशन को थोड़ा सा मतलब हाथ को सख्ती से घुमच के थोड़ा सा बाएं तरफ फेल दिया, अगर बाहर से जो डिक्की पकड़ा हुआ उसके हिसाब से दाहिने तरफ किया और हमारे हिसाब से बाएं तरफ थोड़ा कर दिया। तो इस तरह से हमारा डिक्की का एडजस्टमेंट जो हो गया। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए बैकलाइट हाउसिंग लगने के बाद बैकलाइट लगाया हमने, फिर फ्यूल टैंक का जो कवर है उसको लगाया हमने। देखिए इस गाड़ी में था ना फ्यूल टैंक का जो कवर है वो बिना होल वाला था और यहाँ दे दिया होल वाला, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा पार्ट्स हमारे पास में नहीं आता है तो उस केस में आप पीछे से उसको वेल्डिंग मार दीजिए जो होल वाला पार्ट है, वरना सीट काट के बैक साइड से वेल्डिंग मार दीजिए
और ऊपर से बॉडी फिलर या फिर डुगे पुट्टी डायरेक्ट लगा के उसको भर दीजिए। तो ये हमारा बिना होल वाला फ्यूल टैंक का जो लीड है वो बन जाएगा। सेम किसी किसी केस में आप फेंडर में भी देखेंगे, पुराना मॉडल फेंडर है और वो गाड़ी अभी एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन सेम गाड़ी का जो टॉप मॉडल है, पुराना फेंडर में होल था, बैक साइड लाइट लगा हुआ था फेंडर के साथ में, बट जो नया फेंडर है उसमें साइड लाइट हेडलाइट के साथ दिया हुआ है। उस केस में हम उस पुराना फेंडर में क्या करते हैं ना, बैक साइड से वेल्डिंग मार देते हैं, तो होल हमारा भर जाता है पीछे से वेल्डिंग मारने से। थोड़ा सा सीट काट लेंगे पुराना किसी गाड़ी से, दरवाजा का या फिर फेंडर का, और फिर पीछे से हम लोग वेल्डिंग मार देंगे, तो ये हमारा ये बिना होल वाला फेंडर भी बन जाता है। और ठीक इसी तरह फ्यूल लीड भी हम लोग बिना होल वाला बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ वीडियो में यही दिखा रही है, व्हील हाउसिंग जो है ना यही बाहर की ओर चलाया था, तो हमने यहाँ से इसको थोड़ा काटा, प्लग वेल्डिंग जो किया था, प्लग वेल्डिंग जो हुआ था हमारा क्वार्टर फ्रेम का, उसको तो काट के और व्हील हाउसिंग को मार मार के अंदर भी ठेल दिया पहले, और फिर जब क्वार्टर फ्रेम सेट किया फिर आस्ते आस्ते करके इसको रेडी किया। तो इस तरीके से हमारा ये गाड़ी अभी पेंट विभाग में जाने के लिए पूरा पूरी तैयार है। तो गाड़ी को अभी पेंट में गाड़ी को नीचे उतारेंगे, नीचे उतार के ये गाड़ी अब आगे पेंट की ओर जाने के लिए तैयार हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं वीडियो में, कुछ नई गाड़ियों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बताइए हमें वीडियो में, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को हमारे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक हमारे बाय बाय टाटा।